वेलकम टू द चैनल सॉल्यूशन। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे चाइनीज सिस्टम ऑफ मेडिसिन के बारे में। मींस चाइनीज सिस्टम ऑफ मेडिसिन क्या होता है, क्या उसका कॉन्सेप्ट है, किस प्रिंसिपल पे ये बेस्ड होता है चाइनीज सिस्टम ऑफ मेडिसिन, उसी के बारे में आज हम डिटेल में बताने वाले हैं इस वीडियो में। तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो ये जो चाइनीज सिस्टम ऑफ मेडिसिन है, ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन होता है, जिसको हम ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन बोलते हैं, जिसको शॉर्ट में TCM भी बोला जाता है। तो ये जो ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन है, चाइनीज सिस्टम ऑफ मेडिसिन है, ये टोटली डिफरेंट होता है, डिफरेंट टू दैट ऑफ वेस्टर्न सिस्टम ऑफ मेडिसिन, और डिफरेंट होता है, कॉम्प्लेक्स होता है। और तो हमने यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो चाइनीज सिस्टम ऑफ मेडिसिन है, ये कब डेवलप हुआ, बैक टू 2757 BC एंड व्हेन द फर्स्ट मटीरिया मेडिका वॉज रिटन बाय शेनॉन, मतलब कि जब शेनॉन ने फर्स्ट मटीरिया मेडिका लिखा। शेनॉन जिनको कहा जाता है फादर ऑफ चाइनीज मेडिसिन, और उसमें उस मटीरिया मेडिका में उस टाइम पे 365 जो है हर्ब जो है इंक्लूडेड थे। इसके अलावा और भी अदर हिस्टोरिकल फिजिशियन थे, जैसे कि चैंग हंग कंग एंड हंग टी एंड हटाओ, ये उन्होंने क्या किया, इन्होंने का भी ग्रेट कॉन्ट्रीब्यूशन रहा टूवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ चाइनीज सिस्टम ऑफ मेडिसिन। इन्होंने क्या किया था, चैंग चुंग कंग, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था अबाउट द फीवर, फीवर का डायग्नोसिस, उसका क्लिनिकल एग्जामिनेशन, उसका ट्रीटमेंट मैनेजमेंट, इसके बारे में, और साथ ही एक्यूपंचर को भी इंट्रोड्यूस किया। उसके बाद टाउन, इन्होंने क्या किया, टाउन ने उन्होंने जो एनेस्थीसिया इंट्रोड्यूस किया, इसी कारण से इनको माना जाता है एज अ फर्स्ट सर्जन इन द चाइना। इसके बाद हमने यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट लिखा है, इट इंक्लूड्स द वेरियस फॉर्म्स ऑफ हर्बल मेडिसिन, एक्यूपंचर, मसाज, एक्सरसाइज एंड डाइटरी थेरेपी, मतलब कि इस चाइनीज सिस्टम ऑफ मेडिसिन में जो डिफरेंट मेथड्स होते हैं किसी भी चीज़ को ट्रीट करने के लिए, उसको उसके प्रिवेंशन के लिए, तो डिफरेंट हर्बल मेडिसिन जो है दिए जाते हैं, एक्यूपंचर होता है इसमें, एक्यूपंचर मेथड, मसाज, एक्सरसाइज एंड डाइटरी थेरेपी देते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट आते हैं, प्रिंसिपल ऑफ ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन। तो क्या प्रिंसिपल है, होता है, किस पे बेस्ड होता है ये ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन, इट इज बेस्ड ऑन द यिन एंड यांग थ्योरी पे बेस्ड होता है। यिन एंड यांग थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या है, एवरीथिंग इन द यूनिवर्स कंसिस्ट ऑफ डार्क साइड एंड लाइट साइड, मींस डार्क साइड को हम बोलते हैं यिन और लाइट साइड को बोलते हैं यांग। तो इस यूनिवर्स में जितनी भी सब्सटेंस है, सभी सब्सटेंस के नेगेटिव साइड और पॉजिटिव साइड दोनों होते हैं, या कह सकते हैं डार्क और लाइट दोनों होते हैं। नेगेटिव या डार्क मीन्स यिन, लाइट या कह सकते हैं पॉजिटिव मीन्स यांग साइड। मीन्स ये सिंपल से कहें तो यिन एंड यांग थ्योरी के अकॉर्डिंग जो है, इसका मतलब हुआ एक ही सिक्के के दो पहलू होना। एक ही सिक्के के दो पहलू मतलब कि वो दोनों जो है साइड है वो जुड़े हुए होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, बट दोनों क्या होते हैं, दोनों अपोजिट नेचर के होते हैं, या इंग्लिश में कहें तो टू साइड्स ऑफ अ सिंगल कॉइन। तो इसलिए हमने यहाँ पे लिखा हुआ है दे आर द कॉम्प्लीमेंट्री एंटागोनिस्टिक अपोजिट फोर्सेस होते हैं। मीन्स इस यूनिवर्स में जितने भी सब्सटेंस हैं, तो यिन एंड यांग दोनों प्रेजेंट होते हैं, दोनों दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, और दोनों क्या होते हैं, दोनों अपोजिट फोर्सेस होते हैं। तो जैसा हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, यिन क्या रिप्रेजेंट करता है और यांग क्या रिप्रेजेंट करता हुआ है, तो यिन रिप्रेजेंट करता है अर्थ, मून, डार्क, फेमिनिन, पैसिव, वाटर, इनसाइड, कूल एंड मॉइस्ट, ये जो है यिन रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद यांग क्या रिप्रेजेंट करता है, यांग रिप्रेजेंट जस्ट अपोजिट टू दैट ऑफ यिन, और जैसे कि यहाँ पे हेवन जस्ट अपोजिट टू अर्थ, मून जस्ट अपोजिट टू मून दिस इज सन, मतलब यांग क्या होगा, डार्क का अपोजिट क्या हुआ, लाइट, फेमिनिन का अपोजिट मैस्कुलिन, और पैसिव एक्टिव वाटर फायर, इनसाइड अपोजिट टू इनसाइड इज आउटसाइड, कूल हॉट मॉइस्ट एंड ड्राई। तो क्या हुआ, यिन एंड यांग दोनों क्या हुए यहाँ पे, दोनों अपोजिट हुए, दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है और दोनों क्या है, दोनों अपोजिट है। तो हमने यहाँ पे ये बनाया हुआ है, ये जो आप सर्कल देख रहे हैं, ये सर्कल यिन एंड यांग को रिप्रेजेंट करता है, और यहाँ पे आप देख रहे हैं जो लाइट साइड है, ब्राइटर साइड है, वो क्या है, वो यांग है, और जो डार्क साइड है वो क्या है, वो यिन है, और ये दोनों क्या है, दोनों कनेक्टेड है, दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है, बट क्या है, दोनों अपोजिट नेचर के हैं। और आप यहाँ पे देख रहे हैं ये जो सर्कल है, इस सर्कल में यहाँ पे ब्राइटर साइड में आप ब्लैक देख रहे हैं, ब्लैक डॉट है यहाँ पे, और डार्कर साइड में यहाँ पे व्हाइट डॉट है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये जो है यहाँ पे यांग में और यिन में, यांग में जो है स्मॉल अमाउंट ऑफ यिन फोर्स प्रेजेंट होता है, और यिन फोर्स में स्मॉल अमाउंट ऑफ यांग फोर्स प्रेजेंट होता है, एंड बोथ आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, मीन्स यिन कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट यांग एंड यांग कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट यिन, मीन्स
yin is rooted with the yang and yang is rooted with the yin. तो ये हो गया concept of yin and yang. उसके बाद हमने यहाँ पे next point लिखा हुआ है, when yin and yang element in the body are balanced, then it represent the good health, या कह सकते हैं healthy condition. मतलब इस यूनिवर्स में जितने भी सब्सटेंस है उसमें यिन और यांग फोर्स होते हैं, तो हम हमारा बॉडी ह्यूमन बीइंग की क्या है, मतलब पार्ट ऑफ यूनिवर्स में हमारी बॉडी के अंदर भी ये यिन और यांग फोर्स प्रेजेंट होता है. डिफरेंट बॉडी पार्ट और डिफरेंट ऑर्गन जो है यिन और यांग को रिप्रेजेंट करते हैं. जैसे कि अपर बॉडी जो है यांग को रिप्रेजेंट करता है, लोअर बॉडी यिन को रिप्रेजेंट करता है. डिफरेंट ऑर्गन जो है कुछ ऑर्गन यिन होते हैं, कुछ ऑर्गन जो है यांग होते हैं. तो ये क्या होते हैं, ये दोनों यिन एंड यांग जब हमारे बॉडी में प्रॉपर बैलेंस में होता है, प्रॉपर इक्विलिब्रियम में जब ये प्रेजेंट होते हैं, तो क्या होता है, ये दोनों यिन एंड यांग क्योंकि अपोजिट नेचर के होते हैं तो दोनों एक दूसरे को क्या कर देते हैं, कैंसिल करते हैं. और अगर ये यिन और यांग का जब इम्बैलेंस हो जाता है, यिन अगर जो है एक्सेस हो जाता है या यांग एक्सेस हो जाता है, या यिन की कमी हो जाती है यांग जो है की कमी हो जाती है, तो इससे इस इम्बैलेंस से क्या होता है, इस इम्बैलेंस से फिर डिसीज कंडीशन क्रिएट होती है. इसलिए हमने यहाँ पे लिखा हुआ है इम्बैलेंस इन द यिन एंड यांग मीन्स उसका आइदर या तो यिन का एक्सेस या उसकी डेफिशियंसी, या तो यांग का एक्सेस या उसकी डेफिशियंसी क्या क्या प्रेजेंट करता है, डिसीज कंडीशन. मतलब इसी के कारण से क्या होता है, यिन और यांग के इम्बैलेंस की वजह से डिसीज कंडीशन क्रिएट होती है. तो जैसे कि हम यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं, मान लो कि हमारे बॉडी में यिन जो है क्या होता है, डोमिनेटिंग हो जाता है, यिन जो है एक्सेस होता है, तो हमारे बॉडी में क्या होगा, हमारे बॉडी जो है वो शिवरिंग होता है, हमारे बॉडी में कोल्ड जो है डेवलप होता है, शिवरिंग कोल्ड लेथार्जी होता है मीन्स जो वीकनेस होता है, या तो एग्जॉशन, ये सब चीज़ें क्या होती है, ये जब यिन जो है हमारे बॉडी में एक्सेस अमाउंट में होता है. उसके बाद अगर यांग जो है एक्सेस हो जाता है हमारे बॉडी में, तो यांग एक्सेस होने से क्या होता है, यांग के कैरेक्टरिस्टिक के अकॉर्डिंग हमारा बॉडी हॉट मीन्स हमारा बॉडी जो है मैं फीवर हो जाता है, फीवर के साथ जो है इरिटेबिलिटी या हाइपर एक्टिविटी के अलावा जो है कॉन्स्टिपेशन, ये सब चीज़ें जो है हमारे बॉडी में डेवलप होता है बाय द एक्सेस ऑफ यांग इन अवर बॉडी. तो चाइनीज सिस्टम ऑफ मेडिसिन के अकॉर्डिंग क्या किया जाता है, किसी भी डिसीज को किस तरीके से ट्रीट करते हैं, तो यिन एंड यांग थ्योरी के अकॉर्डिंग ये जो डिसीज जो है जो किसकी वजह से हुआ है, ड्यू टू द इम्बैलेंस ऑफ यिन एंड यांग, तो क्या किया जाता है, इस यिन एंड यांग को वापस से बैलेंस किया जाता है, वापस से इसके बैलेंस को रिस्टोर किया जाता है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर डिसीज विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट हर्बल मेडिसिन, एक्यूपंचर, मसाज, डाइट्री थेरेपी, एक्सरसाइज, ये सब चीज़ों से, ये सब मेथड से उस डिसीज को ट्रीट करते हैं. तो ये हो गया यिन एंड यांग थ्योरी के बारे में. उसके बाद आते हैं नेक्स्ट, फाइव एलिमेंट थ्योरी. तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या है, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग ये जो नेचर है, नेचर इज ऑर्गेनाइज बाय द फाइव पावर. मतलब नेचर जो है किससे ऑर्गेनाइज है, फाइव पावर, ये कह सकते हैं फाइव एलिमेंट से ऑर्गेनाइज होता है. वो फाइव एलिमेंट्स क्या है, गुड, वाटर, फायर, अर्थ एंड मेटल, यही फाइव एलिमेंट्स हैं जिससे ये नेचर ऑर्गेनाइज होता है. और क्योंकि हमारा बॉडी जो है या ह्यूमन बीइंग भी क्या है, नेचर का पार्ट है, तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या किया गया है, हमारे बॉडी ऑर्गन को इस फाइव एलिमेंट से रिलेट किया गया है. तो वो क्या है, जिसको हम फाइव बॉडी नेटवर्क भी बोलते हैं, वो क्या है, लंग, हार्ट, लीवर, स्प्लीन एंड किडनी. और इन्हीं पांच जो ऑर्गन को इन फाइव एलिमेंट से रिलेट किया गया है अकॉर्डिंग टू फाइव एलिमेंट थ्योरी. और इसी को हम क्या बोलते हैं, फाइव फंक्शनल सिस्टम, इसको हम ऑर्गन नेटवर्क भी बोला जाता है. मीन्स ये क्या होते हैं, ये सारे जितने भी फाइव ऑर्गन हैं जो इस फाइव एलिमेंट से रिलेटेड हैं, तो इन्हीं को हमारे बॉडी के जो डिफरेंट फंक्शंस को कंट्रोल करते हैं, और इसी को हम ऑर्गन नेटवर्क भी बोलते हैं. तो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है किस तरीके से ये जो हमारा फाइव जो ऑर्गन है वो नेचर से मीन्स ये फाइव एलिमेंट से रिलेटेड है. तो आप ये जो सर्कल देख रहे हैं, जैसा हमने आपको बताया था, ये डार्क साइड यिन है और जो लाइट साइड है, ब्राइटर साइड है, वो यांग है. तो किस तरीके से ये फाइव जो एलिमेंट है, फायर, अर्थ, मेटल, वाटर और वुड, ये हमारे कौन से ऑर्गन से रिलेटेड है, फाइव बॉडी नेटवर्क, फाइव ऑर्गन नेटवर्क से रिलेटेड है. तो फायर मीन्स हार्ट, अर्थ किससे रिलेटेड है, स्प्लीन, मेटल, लंग, वाटर, किडनी और वुड और लीवर. और ये जो पांचों ऑर्गन है ये है क्या होते हैं, ये यिन नेचर के होते हैं. और इन्हीं पांचों ऑर्गन को क्या बोला जाता है, यांग बोला जाता है चाइनीज सिस्टम ऑफ मेडिसिन में. तो किस तरीके से ये रिलेट हुआ, फायर मीन्स हार्ट, मतलब ये हार्ट क्या करता है, हमारे बॉडी में क्या फंक्शन है, हार्ट गवर्न करता है ब्लड को. तो क्योंकि ब्लड का कलर क्या होता है, रेड होता है, जस्ट लाइक द कलर ऑफ फायर. तो फायर क्या किया रिप्रेजेंट, हमारे बॉडी में कौन सा ऑर्गन, हार्ट.
उसके बाद नेक्स्ट आते हैं अर्थ। अर्थ क्या रिप्रेजेंट करता है हमारे बॉडी में? स्प्लीन को रिप्रेजेंट करता है। तो स्प्लीन क्या करता है? स्प्लीन जो है डाइजेशन एसिमिलेशन का काम करता है अकॉर्डिंग टू चाइनीज सिस्टम ऑफ मेडिसिन। तो स्प्लीन किस तरीके से अर्थ को रिप्रेजेंट करता है? जस्ट लाइक द हार्वेस्टिंग क्रॉप फ्रॉम द अर्थ। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं मेटल। मेटल किसको रिप्रेजेंट करता है? कौन सा ऑर्गन? लंग। तो लंग का काम क्या होता है अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम? लंग क्लीनलीनेस। क्लीनलीनेस जस्ट लाइक द प्योर मेटल। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं वाटर। तो जितने भी वाटर वर्क होते हैं वो किडनी करता है। इसी कारण से किडनी को किससे कौन से एलिमेंट से रिलेट किया गया है? वाटर से रिलेट किया गया है। और वुड और लीवर। लीवर का काम क्या होता है? लीवर क्या करता है? लीवर जो स्प्रेड करता है फैलाता है एनर्जी थ्रू आउट द बॉडी जस्ट लाइक द ब्रांचेस ऑफ द ट्री। ये हो गया कि किस तरीके से बॉडी और नेचर का रिलेशनशिप होता है अकॉर्डिंग टू फाइव एलिमेंट थ्योरी इन द चाइनीज सिस्टम ऑफ मेडिसिन। और ये क्या है? ये सारी पांचों ऑर्गन क्या है? जॉन्ग इसको इन इन के अंदर आता है। और जो यांग ऑर्गन है ये यांग ऑर्गन क्या है? फायर अर्थ मेटल वाटर एंड वुड। फायर जो है इंटेस्टाइन, अर्थ स्टमक, मेटल कोलोन, वाटर ब्लैडर और वुड गॉल ब्लैडर। यहाँ पे हम यूरिनरी ब्लैडर वाटर रिप्रेजेंट कर रहा है और वुड जो है गॉल ब्लैडर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये यांग ऑर्गन है और ये जो है आप देख रहे हैं ये यिन ऑर्गन है। तो ये यिन ऑर्गन और यांग ऑर्गन का क्या फंक्शन होता है? तो ये जो यांग ऑर्गन है इस यांग ऑर्गन का क्या फंक्शन होता है? ये ऑर्गन क्या करते हैं? इसका डाइजेशन का काम होता है और जो डिफरेंट जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसको ट्रांसपोर्ट करते हैं टू द अदर ऑर्गन ऑफ द बॉडी। और ये जो इन ऑर्गन है ये इन ऑर्गन का क्या फंक्शन होता है हमारे बॉडी में? ये जो इन ऑर्गन है ये क्या करते हैं? फॉर द प्रोडक्शन, फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन, रेगुलेशन, स्टोरेज ऑफ द डिफरेंट फंडामेंटल जो सब्सटेंस होते हैं जैसे कि बॉडी फ्लूइड, ब्लड हो गया, एनर्जी हो गया, ये सब का। तो ये हो गया फंक्शन ऑफ यिन ऑर्गन एंड द यांग ऑर्गन इन अवर बॉडी अकॉर्डिंग टू चाइनीज सिस्टम ऑफ मेडिसिन। और किस तरीके से ये जो बॉडी एलिमेंट ये जो फाइव एलिमेंट्स है वो हमारे बॉडी के ऑर्गन से रिलेट करता है। इसलिए हमने यहाँ पे लिखा हुआ है बॉडी एंड नेचर रिलेशनशिप। यांग को बोलते हैं फ्लूइड, चाइनीज सिस्टम ऑफ मेडिसिन में ये जितने भी यांग ऑर्गन है और चाइनीज सिस्टम के अकॉर्डिंग जितने भी यिन ऑर्गन है इनको जांग बोला जाता है। तो इस फाइव एलिमेंट थ्योरी ये कह सकते हैं फाइव एलिमेंट रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है? ये जो फाइव एलिमेंट्स है मीन्स फायर अर्थ मेटल वाटर वुड जो कि हमारे बॉडी में जो ऑर्गन को रिप्रेजेंट करते हैं फायर मीन्स हार्ट, अर्थ मीन्स स्प्लीन, मेटल लंग, वाटर किडनी एंड वुड लीवर। तो ये क्या करते हैं ये जो सभी ऑर्गन है ये सभी ऑर्गन एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं। इसी कारण से हम इसको बोलते हैं फाइव ऑर्गन नेटवर्क बोलते हैं। इंटर रिलेटेड होते हैं और एक दूसरे के फंक्शन को क्या करते हैं ये जो फाइव ऑर्गन से एक दूसरे के फंक्शन को सप्रेस करते हैं, प्रमोट करते हैं ताकि जो इक्विलिब्रियम है वो हमारे बॉडी में मेंटेन रहे। तो इस इक्विलिब्रियम को मेंटेन करने के लिए ये सभी ऑर्गन्स एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड रहते हैं, एक दूसरे के फंक्शंस को प्रमोट करते हैं और सप्रेस करते हैं। तो किस तरीके से कौन सा एलिमेंट कह सकते हैं कौन सा ऑर्गन एक दूसरे को सप्रेस करता है और प्रमोट करता है? तो इसके अकॉर्डिंग चाइनीज सिस्टम के अकॉर्डिंग ये फायर है जो हम ब्लैक से एरो किए हैं वो प्रमोट कर रहा है और जो यहाँ पे रेड से एरो है वो सप्रेस करने वाला है। तो फायर जो है अर्थ को प्रमोट करता है और अर्थ जो है मेटल को, मेटल जो है वाटर को प्रमोट करता है और वाटर जो है वुड को और वुड जो है फायर को प्रमोट करता है। और अकॉर्डिंगली ये जो एलिमेंट जिस ऑर्गन को रिलेट कर रहे हैं वो ऑर्गन भी एक दूसरे को क्या करेंगे उसको प्रमोट करेंगे। जैसे कि फायर किससे रिलेट कर रहा है? हार्ट से। तो हार्ट किसको प्रमोट कर रहा है? अर्थ इज रिलेटेड टू स्प्लीन। तो हार्ट प्रमोट स्प्लीन, स्प्लीन प्रमोट द फंक्शन ऑफ लंग, लंग प्रमोट द फंक्शन ऑफ किडनी विच इज करस्पॉन्ड टू वाटर एंड किडनी प्रमोट द फंक्शन ऑफ लीवर विच इज करस्पॉन्ड टू वुड एंड लीवर प्रमोट द फंक्शन ऑफ हार्ट। तो इस तरीके से ऑर्गन जो है इंटरलिंक्ड है, इंटरकनेक्टेड है, इसी कारण से इसको हम क्या बोलते हैं फाइव ऑर्गन नेटवर्क बोलते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट किस तरीके से सप्रेस करते हैं। तो ये जो एलिमेंट है अर्थ जो है सप्रेस करता है वाटर को, यहाँ पे आप एरो देख रहे हो रेड में, अर्थ सप्रेस करता है वाटर, वाटर सप्रेस करता है फायर, फायर सप्रेस करता है मेटल को, मेटल सप्रेस करता है वुड को और वुड सप्रेस करता है अर्थ को। तो इस तरीके से सप्रेस होता है और अकॉर्डिंगली जो रिलेटेड ऑर्गन है हमारे बॉडी में इस एलिमेंट के अकॉर्डिंगली तो वो एक दूसरे को सप्रेस करेगा। जैसे कि एग्जांपल स्प्लीन, स्प्लीन किस चीज को सप्रेस कर रहा है? स्प्लीन जो है सप्रेस कर रहा है जो किससे रिलेटेड है अर्थ। तो अर्थ किसको सप्रेस कर रहा है? वाटर को। तो स्प्लीन किसको सप्रेस करेगा? किडनी। किडनी किसको सप्रेस करेगा? फायर। फायर किसको सप्रेस करेगा? लंग, एंड लंग सप्रेसेस लीवर एंड लीवर सप्रेसेस अगेन स्प्लीन। तो इस तरीके से जो सभी ऑर्गन्स जो है हमारे बॉडी में इंटरकनेक्टेड होते हैं एक दूसरे के फंक्शंस को सप्रेस और प्रमोट करते हैं टू मेंटेन द इक्विलिब्रियम।
और यही जो कॉन्सेप्ट है मीन्स ये जो ऑर्गन जो है किस तरीके से एक दूसरे से इंटररिलेटेड है, कौन सा ऑर्गन किसको सप्रेस कर रहा है और किसको प्रमोट कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग ही यही बेस बनता है ट्रेडिशनल चाइनीज ऑफ मेडिसिन में। इसी बेसिस पे किसी भी डिसीज का डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट और थेरेपी दी जाती है। तो इस प्रमोशन और सेपरेशन के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो कि लीवर का एक्सेस सिंड्रोम है, तो लीवर के एक्सेस सिंड्रोम से क्या होगा? लीवर के एक्सेस सिंड्रोम से ये जो लीवर किसको सप्रेस करता है? स्प्लीन को सप्रेस करता है, जस्ट लाइक द वुड सप्रेसेस द अर्थ। तो लीवर के एक्सेस सिंड्रोम होने से स्प्लीन ज्यादा सप्रेस होगा, मीन्स स्प्लीन क्या हो जाएगा? वीक हो जाएगा। तो इस एलिमेंटल रूल के अकॉर्डिंग किस तरीके से इसको ठीक किया जाता है, स्प्लीन को वापस उसके बैलेंस किया जाता है उसके वर्क को, तो हम क्या करते हैं, इस वुड को मीन्स लीवर को क्या किया जाता है, लीवर को सप्रेस किया जाता है और स्प्लीन को सपोर्ट करते हैं। स्प्लीन को किस तरीके से सपोर्ट किया जाता है? बाय स्ट्रेंथनिंग द हार्ट। हार्ट को स्ट्रेंथन किया जाता है क्योंकि ये हार्ट क्या करता है, हार्ट जो है स्प्लीन को प्रमोट करता है, जस्ट लाइक द फायर प्रमोट द अर्थ। तो इस तरीके से हम चाइनीज सिस्टम के अकॉर्डिंग जो है, इस एलिमेंटल थ्योरी के अकॉर्डिंग हम किसी भी डिसीज के इटियोलॉजी को समझा जाता है, उस डिसीज को रिलेट किया जाता है कि कौन सा ऑर्गन किससे रिलेटेड है, किसको सप्रेस कर रहा है, किसको प्रमोट कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग उस डिसीज की इटियोलॉजी को समझने के बाद उस पर्टिकुलर डिसीज की ट्रीटमेंट, उसके थेरेपी को प्रिस्क्राइब किया जाता है। ये हो गया एलिमेंटल थ्योरी के बारे में इन द चाइनीज सिस्टम ऑफ मेडिसिन। और इसके बाद हम आपको नेक्स्ट बताएंगे, नेक्स्ट जो प्रिंसिपल है, नेक्स्ट जो थ्योरी है इस ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन में, इसके नेक्स्ट स्लाइड में। इससे पहले हमने आपको बताया प्रिंसिपल ऑफ चाइनीज सिस्टम में यिन एंड यांग थ्योरी के बारे में और फाइव एलिमेंट थ्योरी के बारे में, जिसमें किस तरीके से हमारे बॉडी का जो फाइव बॉडी नेटवर्क है, या कह सकते हैं फाइव ऑर्गन जो नेटवर्क है, ये फाइव बॉडी नेटवर्क क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं और इनके इंबैलेंस से क्या होता है। तो लीवर क्या करता है, जो फर्स्ट बॉडी नेटवर्क लीवर, ये ब्लड स्टोरेज और फ्लो ऑफ क्विक, ये मतलब क्या होता है, एनर्जी। और इसका इंबैलेंस से क्या होता है, टेंशन इन द नेक शोल्डर, हाई ब्लड प्रेशर एंड हेडेक कंडीशन क्रिएट होती है। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट बॉडी नेटवर्क क्या है, हार्ट। हार्ट क्या करता है, ब्लड को रेगुलेट करता है, गवर्न करता है, प्रोपेल करता है और माइंड को गवर्न करता है। और इसके इंबैलेंस से क्या होता है, इसके इंबैलेंस होता है एंजाइटी, रेस्टलेस स्लीप, एंजाइना, पालपिटेशन, ये सब चीज़ें होती हैं। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं स्प्लीन। स्प्लीन क्या करता है, स्प्लीन का फंक्शन होता है अकॉर्डिंग टू चाइनीज सिस्टम ऑफ मेडिसिन एसिमिलेशन। एसिमिलेशन मतलब कि जो फूड हम ले रहे हैं उसका एब्जॉर्प्शन, उसका कन्वर्जन, ये सब चीज़ें क्या होता है, ये सब स्प्लीन करता है, फंक्शन है। और फ्लूड एंड आइडिया सबका एसिमिलेशन। और इसके इम्बैलेंस से क्या होता है, इनडाइजेशन, फटीग या स्कैटर्ड थिंकिंग, ये सब क्या है, ये सब स्प्लीन के इम्बैलेंस से होता है। और इसके बाद नेक्स्ट आते हैं लंग्स। लंग्स का इसका क्या फंक्शन होता है अकॉर्डिंग टू चाइनीज सिस्टम ऑफ मेडिसिन, रेस्पिरेशन एंड सेट द बॉडी रिदम। एंड द इम्बैलेंस ऑफ दिस लंग कॉसेस कोल्ड, फ्लू, स्किन रैशेस एंड चेस्ट टाइटनिंग। तो ये हो गया, ये जो है आपका फाइव बॉडी नेटवर्क है। लास्ट है यहाँ पे किडनी। किडनी जो है, किडनी का क्या फंक्शन होता है, स्टोर एसेंस फॉर द रिप्रोडक्शन, ये फंक्शन है अकॉर्डिंग टू चाइनीज सिस्टम ऑफ मेडिसिन। इसमें रिप्रोडक्टिव जितने फ्लूड्स होते हैं, रिप्रोडक्टिव एसेंस होते हैं, इसको स्टोर करता है, ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ। एंड इम्बैलेंस से क्या होगा, इम्बैलेंस से इनफर्टिलिटी, वीक विजन एंड रिटार्ड ग्रोथ। ये हो गया फाइव बॉडी नेटवर्क एंड इस फंक्शन एंड इट्स इम्बैलेंस। बॉडी में जब इम्बैलेंस होता है तो क्या क्या कंडीशन क्रिएट होती है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट, फाइव बॉडी कॉन्स्टिट्यूएंट। तो हमारे बॉडी में चाइनीज सिस्टम के अकॉर्डिंग फाइव बॉडी कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं। तो वो क्या है, सबसे पहला है काई स्पिरिट, या इसको क्या बोलते हैं, ये क्या है, लाइफ फोर्स, या कह सकते हैं एनर्जी होता है हमारे बॉडी में, जो भी क्या करता है, जो फ्लो करता है इन द रेगुलर पैटर्न थ्रू अ सिस्टम ऑफ चैनल, जिसको हम क्या बोलते हैं, मेरिडियन बोलते हैं। मतलब कि हमारे बॉडी के अंदर जो है ये जो काई होता है, ये काई जो कि क्या है, एनर्जी है, जो हमारे बॉडी के अंदर फ्लो करता है, एक चैनल सिस्टम के थ्रू फ्लो करता है, और उसी को क्या बोलते हैं, उसी को हम मेरिडियन बोलते हैं, टू द ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी, टू द ऑल डिफरेंट ऑर्गन ऑफ द बॉडी, जिससे क्या होता है, विच मेक अस टू मूव, थिंक, टू वर्क,
एंड डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, कारी बोलते हैं। ये वन ऑफ द बॉडी कॉन्स्टिट्यूएंट है। तो यहाँ पे मरीडियन मतलब क्या होता है, मरीडियन मतलब चाइनीज सिस्टम के अकॉर्डिंग हमारे बॉडी को मरीडियन सिस्टम में डिवाइड कर दिया गया है। मरीडियन मतलब कि इट्स लाइक अ जायंट वेव, एक नेटवर्किंग चैनल जिसके थ्रू जो है बस इसके डिफरेंट ब्रांचेस होते हैं जिसके थ्रू हमारे बॉडी में ये जो एनर्जी है ये फ्लो करता है अलॉन्ग विद द डिफरेंट फंडामेंटल सब्सटेंस जैसे कि ब्लड हो गया, अदर जो बॉडी फ्लूड्स हैं वो फ्लो करते हैं थ्रू दिस चैनल, थ्रू दिस मरेडियंस टू द अदर ऑर्गन ऑफ द बॉडी, टू द अदर पार्ट ऑफ द बॉडी। और इसके अलावा ये जो है मेंटेन करता है हमारे यिन और हमारे बॉडी में जो यिन एंड यांग है इसको बैलेंस करके रखता है। इसके अलावा हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करता है अगेंस्ट द डिसीज। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को मरेडियन बोलते हैं। इसी चैनल के थ्रू ये एनर्जी और बॉडी सब्सटेंस जो है वो फ्लो करते हैं। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट मॉइस्चर। मॉइस्चर क्या है, मॉइस्चर हमारे बॉडी के अंदर की डिफरेंट जो फ्लूड्स होते हैं जो हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं, नर्चर करते हैं और लुब्रिकेट करते हैं डिफरेंट जो बॉडी टिश्यूज को, जैसे कि एग्जांपल हो गया जॉइंट का फ्लूड हो गया, साइनमल फ्लूड हो गया, गैस्ट्रिक जूस हो गया और सलाइवा, स्प्यूटम, टीयर हो गया। ये क्या है, ये सब मॉइस्चर के अंदर आते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो बॉडी कॉन्स्टिट्यूएंट है थर्ड, ब्लड। ब्लड जिसको चाइनीज में जुई बोला जाता है, ये क्या है, यही क्या है, ये फाउंडेशन होते हैं डिफरेंट बोन्स, नर्व्स, मसल्स एंड अदर ऑर्गन्स के फंक्शन के लिए। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट ट्यूएंट है शेन या साइ। ये क्या है, इस चाइनीज में बोलते हैं शेन। तो इस ये क्या है, ये जो फाइव फोर्थ जो बॉडी कॉन्स्टिट्यूएंट है ये इमटेरियल ऑर्गेनाइजिंग फोर्स होते हैं ऑफ सेल। इमटेरियल ऑर्गेनाइजिंग मतलब ये किसी का उसका फिजिकल फॉर्म नहीं होता है, इमटेरियल होता है और ये ऐसा फोर्स है मतलब हमारे बॉडी के अंदर जो हमारे कॉन्शियसनेस, हमारे थिंकिंग, हमारे इमोशंस को कंट्रोल करता है। उसके बाद आते हैं जिंग। जिंग या सोमा, इसको चाइनीज में बोलते हैं या इसको कह सकते हैं एसेंस। ये क्या होते हैं, ये हमारे बॉडी के रिप्रोडक्टिव एक्सप्रेशंस होते हैं। रिप्रोडक्टिव एक्सप्रेशंस मतलब क्या हुए, मतलब जितने रिप्रोडक्टिव जो फ्लूड्स होते हैं, ओवम हो गया, स्पर्म्स हो गए, अदर जो रिप्रोडक्टिव फ्लूड है वो जो है जिंक कहलाता है, सोमा कहलाता है। तो यही क्या है, यही फाइव बॉडी कॉन्स्टिट्यूएंट है। तो ये जो फाइव बॉडी जो नेटवर्क होते हैं, फाइव बॉडी नेटवर्क हमने आपको बताया, फाइव जो बॉडी ऑर्गन्स है, लिवर, हार्ट, स्प्लीन, लंग, किडनी, यही फाइव बॉडी नेटवर्क जो है रेगुलेट करते हैं, प्रिजर्व करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं हमारे फाइव बॉडी जो कॉन्स्टिट्यूएंट हमने बताया, काई हो गया, मॉइस्चर हो गया, ब्लड, सैन और जिंक। ये हो गया फाइव बॉडी कॉन्स्टिट्यूएंट के बारे में। अब आते हैं नेक्स्ट, चाइनीज सिस्टम के अकॉर्डिंग जो है फाइव बॉडी क्लाइमेट्स होते हैं। फाइव बॉडी क्लाइमेट्स वो क्या है, विंड, डैम्पनेस, डैम्पनेस मतलब कि नमी, ड्राइनेस, हीट एंड कोल्ड, यही फाइव बॉडी क्लाइमेट होते हैं। और किस तरीके से ये फाइव बॉडी क्लाइमेट जो है डिस्टर्ब होते हैं, इम्बैलेंस होते हैं, मीन्स ये फाइव बॉडी क्लाइमेट जो है हमारे बॉडी में हेल्दी कंडीशन में, बैलेंस कंडीशन में होते हैं। अब जब कोई नेचुरल डिस्टर्बेंस होता है, नेचर में कोई डिस्टर्बेंस होता है, तो नेचर का या ये जो क्लाइमेट है वो चेंज होता है, तो हमारे बॉडी के क्लाइमेट जो है अकॉर्डिंगली चेंज होता है। तो नेचर डिस्टर्बेंस कॉसेस द इम्बैलेंस अपसेट ऑफ द फाइव बॉडी क्लाइमेट। हमारी बॉडी का जो पांच क्लाइमेट है वो चेंज होता है। और जैसे कि एग्जांपल हमने यहाँ पे लिखा हुआ है विंड, तो विंड के इम्बैलेंस से हमारी बॉडी में जो विंड क्लाइमेट है उसके इम्बैलेंस से अनस्टेडी मूवमेंट होता है। डैम्पनेस, डैम्पनेस से, डैम्पनेस मतलब नमी से फैलगम और वेडिमा होता है। ड्राइनेस से क्रैकिंग ऑफ द म्यूकस मेम्ब्रेन एंड कोल्ड, कोल्ड से रिटार्ड सर्कुलेशन और अगर एक्सेसिव अगर हीट हो गया तो वो क्या होगा, इन्फ्लेमेशन इन द टिश्यू। तो ये सब क्या है, ये सब फाइव बॉडी क्लाइमेट्स है। और ये फाइव बॉडी जो क्लाइमेट होता है इसका भी यिंग और यांग नेचर होता है। जैसे कि एग्जांपल विंड है, ये विंड जो है यांग नेचर का होता है। डैम्पनेस, डैम्पनेस जो है यिन नेचर का होता है। ड्राइनेस जो है ये यांग नेचर का होता है। हीट ये जो है ये यांग नेचर का और कोल्ड जो है यिन नेचर का। तो ये जो है इसके यिन एंड यांग थ्योरी के अकॉर्डिंग इन फाइव क्लाइमेट्स का क्या नेचर होता है और सीजन के अकॉर्डिंग जो है ये जो है प्रीडोमिनेट होता है। सीजन के अकॉर्डिंग जैसे कि एग्जांपल हो गया विंटर हो गया, विंटर हो गया, ऑटम हो गया, स्प्रिंग, तो उसमें विंड जो है हमारे बॉडी में क्या होता है, विंड क्लाइमेट वो प्रीडोमिनेट हो जाता है। उसके बाद जैसे कि हीट हो गया, तो हीट जो है प्रीडोमिनेट कब होता है, हीट प्रीडोमिनेट होता है समर में। कोल्ड जो है विंटर हो गया, ऑटम हो गया, इसमें ड्राइनेस जो हो गया ये ऑटम है। तो इस सीजन में डिफरेंट डिफरेंट जो सीजन्स होते हैं उसमें ये जो है डिफरेंट जो बॉडी क्लाइमेट है वो प्रीडोमिनेटिव होते हैं। तो
ये हो गया फाइव बॉडी क्लाइमेट के बारे में। तो चाइनीज सिस्टम के अकॉर्डिंग क्या है, चाइनीज सिस्टम के अकॉर्डिंग जो हमारा बॉडी होता है, ये बॉडी जो है एक एनर्जेटिक सिस्टम होता है, जिसमें ये सभी जो कॉन्स्टिट्यूएंट हमने आपको बताया वो डायनेमिक बैलेंस में होता है, और तो वो हेल्दी कंडीशन को वो डिनोट करता है। और तो डिजीज कंडीशन क्या होता है, डिजीज कंडीशन क्रिएट होती है इज ड्यू टू द इंटरनल इम्बैलेंस ऑफ यिन एंड यांग। यिन एंड यांग जो हमने आपको बताया, उसके एक्सेस होने से या उसके डेफिशिएंसी से क्या होता है, उसे यिन एंड यांग के डिजीज कंडीशन क्रिएट होती है। फाइव बॉडी जो कॉन्स्टिट्यूएंट हमने आपको बताया, यहाँ पे फाइव बॉडी कॉन्स्टिट्यूएंट, उसके इम्बैलेंस से फाइव बॉडी जो नेटवर्क हमने आपको बताया, लंग, लिवर, किडनी, स्प्लीन, ये बताया, उसके इम्बैलेंस से या फाइव बॉडी जो कॉन्स्टिट्यूएंट है, फाइव बॉडी जो क्लाइमेट हमने आपको बताया, तो इनके इम्बैलेंस से डिसीज कंडीशन क्रिएट होती है। या तो हम कह सकते हैं चाइनीज सिस्टम के अकॉर्डिंग डिसीज मतलब होता है डिसहारमोनी या तो इम्बैलेंस। किसका इम्बैलेंस, इम्बैलेंस ऑफ द फंक्शन ऑफ द इंटरेक्शन बिटवीन, किसके बीच में इंटरेक्शन का इम्बैलेंस होता है, यिन एंड यांग के बीच के जो इंटरेक्शन होता है उसका इम्बैलेंस, या कि काई या जी, काई मतलब की जो एनर्जी होती है, जो वाइटल फोर्स होता है, या जी मतलब की जो बॉडी फ्लूड है, ब्लड है, उसको जी बोलते हैं, और जोंग एंड फ्यू। जोंग क्या होते हैं, जोंग हमने आपको फाइव एलिमेंटल थ्योरी में बताया था कि जोंग मतलब की जो फाइव बॉडी ऑर्गन जो होते हैं, जो कि यिन नेचर के होते हैं, फाइव बॉडी ऑर्गन जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन, कोलोन हो गया, स्टमक, गॉल ब्लैडर एंड यूरिनरी ब्लैडर, ये क्या होते हैं, ये यिन नेचर के होते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, जोंग बोलते हैं, यिन बॉडी ऑर्गन। और फ्यू क्या हो गया, ये हो गया, ये जो है यांग बॉडी ऑर्गन, या जो कि यांग नेचर के होते हैं, या जैसे हमने आपको बताया ये सब लीवर, हार्ट, स्प्लीन, लंग, किडनी, ये सब क्या है, ये जो है फू होते हैं, मतलब कि ये यांग बॉडी ऑर्गन है। तो इनके बीच में का इंटरेक्शन जो है अगर इम्बैलेंस होता है, मरीडियन हो गया, मीन्स मेरिडियन में डिस्टर्बेंस हो गया, मीन्स इस प्रॉपर चैनल के थ्रू जो डिफरेंट बॉडी फ्लूड जो है, डिफरेंट फंडामेंटल सब्सटेंस है, ब्लड है, और एनर्जी जो फ्लो कर रहा है जिस चैनल के थ्रू, उसमें अगर ब्लॉकेज हो गया तो डिसीज कंडीशन क्रिएट होती है। तो इसी का इंटरेक्शन बिटवीन द ह्यूमन बॉडी एंड द एनवायरनमेंट, मीन्स जो ह्यूमन बॉडी और एनवायरनमेंट के बीच में ये यिन यांग, जिंग, अजू, जोंग, प्यू, मेरिडियंस, इनके बीच का इंटरेक्शन ह्यूमन बॉडी और इंटरेक्शन बिटवीन द ह्यूमन बॉडी एंड द एनवायरनमेंट, इसके क्या होता है, इसके इम्बैलेंस से क्या होता है, डिसीज कंडीशन क्रिएट होती है। तो चाइनीज सिस्टम के अकॉर्डिंग इसी को क्या किया जाता है, इसी इम्बैलेंस को डायग्नोज किया जाता है, और उसके बाद प्रॉपर थेरेपी दी जाती है उस पर्टिकुलर डिसीज को ठीक करने के लिए। तो ये हो गया चाइनीज सिस्टम ऑफ मेडिसिन के बारे में, उसके प्रिंसिपल के बारे में। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट इन चाइनीज सिस्टम ऑफ मेडिसिन। और आज का जो कंटेंट है हमने लिया है फार्माकोग्नोसी एंड फाइटोकेमिस्ट्री की बुक वॉल्यूम 1 बीडी रंगाली से, और फार्माकोग्नोसी एंड फाइटोकेमिस्ट्री की बुक एसएल देवरे एंड खादाबड़ी से। थैंक यू।